धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा सोना और पीतल की चल रही थी। आप कहाँ बैठे हो, पीतल के ऊपर बैठे हो या सोने के ऊपर बैठे हो कि प्लास्टिक के ऊपर बैठे हो? हैं, चाहे प्लास्टिक पर बैठे हो, चाहे चटाई में बैठे हो, चाहे पहाड़ पर बैठे हो, आप सोने पर बैठे हो क्योंकि आप सोना गिर में बैठे हो। वैसे कभी सोने के सिंहासन पर बैठने मिले ना मिले, मगर सोनागिर आ जाओ तो सोने के ऊपर पहाड़ पर बैठने मिल जाता, सोने के पहाड़ पर बैठने मिल जाता है। और सोना है क्या? एक धातु है, जैसे पीतल है, तांबा है, हैं? और कौन कौन सी धातुएं होती हैं? स्टील है, लोहा है, कांसा है, हैं? ऐसे ही सोना भी एक धातु है, लेकिन सोने को लोगों ने बड़े प्यार से देखा है और बाकी को, हाँ ठीक है पीतल का है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, कोई कीमत नहीं है उसकी, लेकिन कीमत है सोने की। इसलिए यहाँ छह ढाला में जो बात आई है, कादे सोने में हेम अमल है। कादे, कादे यानी कीचड़, कादे यानी कीचड़, और हेम यानी सोना, अमल है यानी निर्मल है। सोना कहीं चला जाए निर्मल रहता है, कीचड़ में डाल दो तो कीचड़ की गंदगी को ग्रहण नहीं करता है, और कहीं भी रख दो, बाहर रख दो तो सोना जो है बाहर मौसम के प्रभाव से काला पड़ता है क्या? अरे बोलिए ना, ऐसा कभी हुआ कि किसी ने सोने की चेन पहनी हो और बारिश का मौसम आया हो तो काली पड़ गई हो? ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंदर सोने के अंदर गुण है कि वो बाहर से प्रभावित नहीं होता है, बाहर की वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता है। जो प्रभावित होता है वो पीतल है, काला हो जाएगा, तांबा है, काला हो जाएगा, है, और कांसा है, वो भी काला हो जाएगा, चांदी है, हाँ चांदी की कीमत कम है और सोने की कीमत ज़्यादा है। और सोने की कीमत केवल यह भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में ज़्यादा है। सोने को सारी दुनिया अच्छा मानती है, इसलिए उसकी कीमत, मैंने परसों बताया था, पीतल की कीमत कितनी है, कितने रुपए किलो है पीतल? 1000 रुपए। परसों 500 रुपए था, आज 1000 हो गया। अच्छा, 1000 ही है क्या? परसों किसी ने 500 बताया था, ठीक है। और सोना कितना रुपया किलो है? कोई आपको 1 किलो पीतल दे तो कैसा लगेगा और 1 किलो सोना दे तो कैसा लगेगा, है? और ये कोई आज से नहीं है सोने की कीमत, पहले से है, शुरू से है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो क्वालिटी है हमारे पूर्वज भी जानते थे। अब इसकी क्या क्वालिटी है वो देखते हैं अपन। सोने का हार गले में पहनते हैं, सोने की चूड़ियां हाथों में पहनते हैं, सोने के कुंडल कानों में पहनते हैं, सोने के बाजूबंद वो भी, हाँ है ना। तो इसमें से निकलती है पॉजिटिव ऊर्जा, किसमें से? सोने में से। जो हमारे शरीर में निगेटिव ऊर्जा है उसे ख़त्म करती है, इसीलिए सोना पहना जाता है। सोना पहनने का मतलब सोना नहीं पहनना है, ये तो
जो सोने की क्वालिटी को नहीं जानते हैं, केवल पैसे की कीमत से जानते हैं, वो ऐसा विचार करते हैं कि सोना इसलिए पहनना है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया चीज़ है, उससे मेरा स्टेटस बनता है, उससे मेरा नाम होता है, उससे मैं सुंदर दिखता हूँ, इसलिए पहनते हैं। लेकिन वास्तविकता जो ये है वो ये है कि सोना और चांदी में से पॉजिटिव ऊर्जा बहुत निकलती है। लेकिन आजकल के जो आने वाली पीढ़ी है, इसमें तो दम ही नहीं है पहनने की, इसमें तो ताकत ही नहीं है पहनने की, है? हाँ, यदि उसे 1 किलो सोना पहना दो, वो 1 घंटे में पागल हो जाएगी। मुझे वजन लग रहा है, और पहले की महिलाएं 1 किलो क्या, 1 किलो की तगड़ी, 1/2 किलो का हार, 1/2 किलो की चूड़ियां आराम से पहन लेती थी। वर्तमान में हाथ पांव में दम नहीं, आगे बोलिए ना, और हम किसी से कम नहीं। हाँ, तो सोने की कीमत, तो सोने का आप लोग सब लोग प्रयोग करते हैं, जिसके पास नहीं होता है वो चाहता है, और जिसके पास है वो छोड़ता है। बहुत मन भर गया, अब नहीं चाहिए सोना, अब तो लॉकर में पड़ा रहता है, पहनने का मन ही नहीं करता है। ज्यादा हो जाए तो छूटने लगता है, और कम हो तो इच्छा होती है। लेकिन सोने के गुण से सम्यक दृष्टि की तुलना की है। किसकी? सम्यक दृष्टि सोने के समान होता है। जैसे सोना बाहर की गंदगी को ग्रहण नहीं करता है, बाहर की ऊर्जा से प्रभावित नहीं होता है, बाहर के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव बाहर के वातावरण से प्रभावित नहीं होता है। उसे कोई 1 किलो सोना दे दे तो कहता ठीक है, और ना दे तो भी ठीक है। और जो मिथ्या दृष्टि होता है, यदि आपके रिश्तेदार के यहाँ शादी है और 2 कंवर साहब हैं, कितने? 2 दामाद, कितने? 2, और 1 को सोने की अंगूठी पहना दें और 1 को ना पहनाएं, तो क्या होता है? अरे बोलिए ना, हैं? उसी समय वहां से डेरा उठ जाता है, चलो बहुत देख ली शादी तुम्हारी, तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते, चल यहां से, बस चल रही कि नहीं चल रही, नहीं तो तू यही रह, मैं जा रहा हूं, रहे अपने मम्मी पापा के पास में। बोलिए, ऐसा करते नहीं करते हैं? और कई बार तो पत्नी को भी पीहर नहीं भेजते हैं, देख लिया तेरे मम्मी पापा को, तेरे पीहर वालों को कितना अपमान करते हैं मेरा, उसको तो अंगूठी दे दी और मुझे नहीं दी। यानी तुमने अपनी कीमत किससे समझी? अंगूठी से, सोने से, हैं? जबकि तुम्हारी कीमत किससे है? 1 डिब्बी में हीरे की अंगूठी रखी है और डिब्बी बहुत सुंदर है, और जब वो डिब्बी आई तो आप बाहर वाले कमरे में बैठे थे, आपको लाके दी, देखते रहे और देखते देखते रख दी, चर्चा करते करते आप वहां से निकल गए, कोई मंदिर बुलाने के लिए आया, मंदिर चले गए। अब मंदिर में आप बैठे माला फेर रहे हैं, अब आपको याद आया, माला में मन तो लगता नहीं है, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु याद तो आते नहीं है, और सब याद आ जाता है, फिर वो डिब्बी याद आई, अरे वो डिब्बी तो मैं बाहर ही छोड़ आया था, पता नहीं उसने अंदर रखी होगी कि नहीं रखी होगी। अब आपका मन कहाँ चला गया? डिब्बी में, है ना? अब आप माला फेर रहे हो और फटाफट आपने जितनी स्पीड से पढ़ सकते थे उतनी स्पीड से पढ़ के आपने माला पूरी करी। उस माला में ना तो भगवान नजर आए, ना नमोकार मंत्र नजर आया, ना पंच परमेष्ठी नजर आए, ना अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु नजर आए, नाम तो ले रहे थे भगवान का और याद कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, अंगूठी आई और आपने अंगुली में डाल ली और आप आ गए, अब आपको डिब्बी की याद आएगी? अब किसकी याद आएगी?
अभी भी नहीं आएगी। जिस दिन तुम सोना चांदी का हार पहनते हो ना, अपने भाव पकड़ लेना, अपने प्रणाम पकड़ लेना, ध्यान उसी में ही रहता है। खूब अच्छे सज धज के जिस दिन मंदिर जाते हो ना, लगता है कोई देख तो ले। उस दिन तुम भगवान को देखने नहीं जाते हो, तुम खुद को दिखाने जाते हो। इसलिए मंदिर लिपस्टिक लगा के नहीं जाना चाहिए, मंदिर ज़्यादा सज संवर के नहीं जाना चाहिए, मंदिर में छमछम वाली पायल पहन के नहीं जाना चाहिए, मंदिर में ज़्यादा आवाज़ नहीं करना चाहिए, मोबाइल को साइलेंट करके जाना चाहिए। आप क्या करने जा रहे हो मंदिर में? भगवान के दर्शन। और जब भगवान के दर्शन करने जा रहे हो तो लिपस्टिक की क्या जरूरत है? तुम दिखाने थोड़ी जा रहे हो, तुम देखने जा रहे हो। और देखने के लिए तुम्हें खुद को लिपस्टिक लगाने की कहां जरूरत आ गई? लेकिन आजकल फैशन इतनी आ गई है, इतनी आ गई है कि दिन भर लाली पोते रखते हैं। पहले के समय घर में लिपाई पुताई होती थी, मकान मिट्टी का होता था, है ना, तो उस पर क्या गोबर से उसे लिपते थे, ठीक है ना। अब वो लिपाई पुताई तो खत्म हो गई है। क्या बात है, मेरे कहने के पहले आप हंस दिए। दाल में कुछ काला है क्या है? अब पहले चेहरे पर लिपाई पुताई बिल्कुल नहीं होती थी, ना क्रीम ना पाउडर कुछ नहीं होता था। अब चेहरे की लिपाई पुताई शुरू हो गई है, मतलब लिपाई पुताई खत्म नहीं हुई है, पहले बाहर थी अब शरीर में है। गाल में अलग पोतेंगे, आंख में अलग पोतेंगे, ओंठों पर अलग पोतेंगे, इसी को ही सजाने में लगे रहेंगे। पहले पर्दा होता था, क्या घूंघट डालते थे ना, घूंघट को क्या बोलते, पर्दा, भाई पर्दे में रहा करो। अब ये पर्दा तो निकाल दिया, अब खिड़की पर पर्दा आ गया। पहले आपने देखा होगा खिड़कियों पर पर्दे नहीं होते थे, बस बंद कर दिया, बंद गई, खोल दिया, खुल गई। और आजकल की पहले की खिड़कियों पे तो जाली होती थी, आजकल की खिड़कियों पे जाली नहीं होती है। होटल तो होती है 10-10 मंजिल 20-20 मंजिल की, और उस पर जाली नहीं होती है, भाई जिसको कूदना हो। अरे बोलिए ना, कूद जाओ आराम से। जाली नहीं रखते आजकल, अब पता नहीं क्यों नहीं रखते, क्या सोच कर नहीं रखते, भाई फैशन है आजकल। एक ही हर काम एक चीज पे होता, फैशन है इस, है ना। लड़का गया व्यसन में, लड़का गया व्यसन में, लड़की गई फैशन में, और घर वाले आ गए टेंशन में। घर वाले आ गए टेंशन में। ये फैशन ने पता नहीं इंसान के को इतना परिवर्तित कर दिया है कि उसकी अपनी पर्सनल जिंदगी खत्म हो गई है। जो फैशन है वो ही उसकी जिंदगी होती है। उसको क्या अच्छा लगता है वो नहीं पहनते हैं, उसको क्या अच्छा लगता है वो नहीं खाते हैं, उसको क्या अच्छा लगता है वो नहीं देखते हैं। क्या करते हैं? जो फैशन में है वो करते हैं। मकान कैसा बनना चाहिए जो इस समय की फैशन चल रही हो, कलर कैसा होना चाहिए जो इस समय की फैशन में हो, बाल कैसे कटने चाहिए, अरे बोलिए ना, तुम्हारे चेहरे पर कैसे लगते वो नहीं, फैशन में कैसे हैं वो बाल कटने चाहिए। अब वो चाहे आधे खड़े हो, आधी मुंडी साफ हो, आधे बैठे हो, बीच में से मांग हो ना हो, मतलब पता नहीं जिंदगी कहाँ जा रही है। एक व्यक्ति लड़के आया और लड़ने से उसकी शर्ट फट गई। अब वो अपने घर जा रहा है, सामने से एक फैशन डिजाइनर आ रहा है, उसकी फटी शर्ट देख के कहता हाँ ये अच्छी लग रही है। अब उसने वहां डिजाइन बनानी शुरू कर दी, लो फैशन हो गई। और वो तो लड़के आया था इसलिए वो फट गई थी, है? फैशन के नाम पे कुछ भी कर लो। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो बाहर की वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता है, वो प्रभावित होता है वीतरागता से। जैसे अंगूठी है, अब अंगूठी हाथ में पहनी हुई है,
और डिब्बी वहां रखी हुई है, अब डिब्बी की याद आएगी क्या? भाई डिब्बी तो पहले भी थी, आप याद किसको कर रहे थे? उस डिब्बी की कीमत क्यों है? अरे बोलिए ना, डिब्बी की कीमत क्यों है? जोर से बोलिए, अंगूठी है इसलिए। और अंगूठी के निकलने के बाद सोने की कीमत, डिब्बी की कीमत खत्म। अच्छा, तुम्हारी कीमत क्यों है? बोलिए, तुम्हारी कीमत क्यों है? तुम्हारे अंदर आत्मा है, तब तक ये शरीर की कीमत है। शरीर डिब्बी है और आत्मा हीरा है। क्या? शरीर डिब्बी है और आत्मा हीरा है। इस शरीर की कीमत कब तक है? जब तक इस शरीर में आत्मा है। और जैसे इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, यदि शाम के 4 बजे होंगे, बोले देखो वो तो बहुत दूर है, वो तो आ नहीं सकता है, रात भर कौन रखेगा? ले जाओ। किसको? शरीर को। और जब तक आत्मा थी, हैं? यदि इस शरीर में से आत्मा जिस कमरे में निकल जाती है, जिस गद्दे पर निकल जाती है, जिस पलंग पर निकल जाती है, वो गद्दा अलग कर दिया जाता है, वो कपड़े अलग कर दिए जाते हैं, और ज्यादा धनवान फैमिली होगी तो वो तख्त भी अलग हो जाएगा, और उस कमरे में फिर लिपाई पुताई होगी। क्यों भाई क्यों? पहले इस इतने सालों से उस कमरे में सो रहा था, तब तो कुछ नहीं किया आपने, और आत्मा निकल गई तो शरीर की ये दुर्दशा, ये इसकी कीमत है? इतना अशुद्ध शरीर है कि 13 दिन तक तुम मंदिर नहीं जा सकते, 13 दिन तक तुम पूजा नहीं कर सकते, 13 दिन तक तुम धर्म के विधान आदि नहीं कर सकते, जिनवाणी नहीं छू सकते, 13 दिन तक तुम आहार नहीं दे सकते, 13 दिन तक तुम गुरुओं के चरण नहीं छू सकते। घर की शुद्धि होती है, बोले आज हमारे यहां शुद्धि है। क्या है? किस बात की शुद्धि है? जो शुद्ध था वो निकल गया और जो अशुद्ध था वो रह गया। तो शरीर की अशुद्धि कब हो जाती है? जब आत्मा निकल जाती है। तो किसकी कीमत है, आत्मा की या शरीर की? अरे बोलिए ना, आत्मा की। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, है ना? सोते किस लिए हैं? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? अरे बोलिए ना, शरीर के लिए। अच्छा, खाना किस लिए खाते हैं? शरीर के लिए। ये ठंड में इतने सारे कपड़े किसके लिए पहने हैं? किसको बचाने पहने हैं? शरीर को बचाने पहने हैं। अच्छा, ये मकान सुंदर सुंदर किसके लिए बनाते हैं? शरीर के लिए। अच्छा, बढ़िया बढ़िया मुलायम मुलायम रजाई किसके लिए, कंबल किसके लिए है? शरीर के लिए। परिवार किसके लिए बसाते हैं? शरीर के लिए। अच्छा, आत्मा के लिए क्या करना चाहिए? कुछ बचा है ऐसा काम जो आत्मा के लिए करते हो? मंदिर क्यों जाते हैं? हम सुखी रहें, हमारा घर बार सुखी रहे, भगवान ध्यान रखना जरा, बेटी की शादी करवा देना, बेटी की शादी करवा देना भगवान, जरा पूजा भी रोज करते हैं देखो। हाँ, पूजा रोज करते हैं, हमारा कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए, घर में घर का ठीक रहना चाहिए, घर में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बोलिए हाँ या ना। तुम मंदिर भी जाते हो तो शरीर के लिए, तुम माला भी फेरते हो तो शरीर के लिए, तुम आत्मा के लिए करते क्या हो? इस शरीर को बचाकर कहां ले जाओगे? बहुत से लोग काम चोरी करते हैं। क्या करते हैं? काम चोरी। अब ठंड है, किसी ने दरवाजा खटखटाया, कमरे में 4 जने सो रहे हैं, एक की नींद खुल गई लेकिन वो उठ नहीं रहा, अपने आप पड़ोसी उठेगा, ठंड है कौन उठे, कौन रजाई छोड़े, अपने आप ही खोलेगा। रात का खाना किसके लिए खाते हो? शरीर के लिए या आत्मा के लिए? शरीर के लिए। स्वादिष्ट व्यंजन किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए। और स्वाद लेने वाली कौन है?
आत्मा है, इसी में रमी पड़ी है, तो धर्म का मतलब क्या है? जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म किसके लिए है? जैन धर्म की गहराई में तो पहुंचो। एक होता है समुद्र में ऊपर का हिस्सा और एक होता है समुद्र में नीचे का हिस्सा। समुद्र के में ऊपर के हिस्से में मिलता है कचरा, लाशें, लकड़ी, पन्नी है, और समुद्र के नीचे के हिस्से में है रत्न। अभी धर्म के किस हिस्से पे तुम काम कर रहे हो? अभी गहराई में गए कहां हो? तुम धर्म से बाहर के सुख मांगते हो, जबकि धर्म तुम्हें आत्मा का सुख और शांति दोनों दे सकता है। धर्म करने का उद्देश्य तो बनाओ कि धर्म क्यों करना चाहिए। यदि एक उद्देश्य आपने बना लिया तो दूसरा उद्देश्य अपने आप पूरा हो जाएगा। यदि कोई ये कहता है कि मुझे दिल्ली जाना है तो आगरा तो बीच में अपने आप मिल ही जाएगा। कोई कहे नहीं, मुझे पहले तो आगरा जाना है फिर मैं दिल्ली जाऊंगा, अरे पागल है क्या, आगरा तो बीच में आ ही जाएगा। ऐसे किसी को किसी ने मोक्ष का लक्ष्य बनाया है तो बीच में स्वर्ग तो अपने आप ही मिल जाएंगे। यदि कोई आत्मा को लक्ष्य बनाकर के धर्म करता है तो संसार के सुख तो अपने आप ही मिल जाते हैं। लक्ष्य तो आत्मा को बनाओ, लक्ष्य तो वीतरागता को बनाओ, धर्म तो आत्मा के लिए करो, आत्मा की शांति के लिए, भावों की विशुद्धि के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम किसकी कीमत कर रहे हो? शरीर की। किसको बचा रहे हो? ये बचेगा क्या? ये बचेगा क्या? पहले के इतने शरीर में रहे, वो नहीं बचे, तो अब क्या बचेंगे? इसलिए धर्म का उद्देश्य बनाओ आत्मा, और जो आत्मा को धर्म का उद्देश्य बना करके जीता है उसको एक दिन सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो बाहर की वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता है, उसकी इच्छाएं शांत हो जाती। नहीं चाहिए, क्या करना है? अनंत काल से इसी में तो घूम रही इच्छाओं का जाल। अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो एक जगह बहुत सुंदर एक मकड़ी का जाला बना हुआ था। वास्तव में मैंने भी ऐसा जाला पहली बार देखा है, बड़ा सुंदर, खुले में था, इसलिए पीछे से सूरज की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, स्पष्ट क्लियर एक एक धागे नजर आ रहे थे, इतना सुंदर जाला बना हुआ था। वो जाला आंखों से दिख रहा है क्या? वो जाला आंखों से दिख रहा है। अपने दिमाग के अंदर झांक कर देखो ध्यान में, हमने कितने जाले बनाए हैं, हमने कितनी इच्छाएं पैदा कर रखी हैं और उनकी पूर्तियों में लगे हुए हैं, उसी में घूमते रहते हैं और एक दिन उसी में फंस के मर जाते हैं, और उसके अंदर बैठी जो आत्मा है वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। जिसने अणुबम की खोज करी थी वो कौन है? आइंस्टीन हुआ ना वैज्ञानिक। जब वो मरने लगा तो लोगों ने उससे पूछा, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बोले, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं भारत में जन्म लूं। बोले, क्यों? बोले, अभी तक मैंने खोज करी है बाहर की, पुद्गल की, जो बाहर मैटर दिखता है उसकी खोज करी है मैंने, अब मैं उसे खोज करना चाहता हूं जो खोज करने वाला है। मैं उसे खोज करना चाहता हूं जो खोज करने वाला है, और उसकी खोज करी है भगवान महावीर ने, 2400 तीर्थंकर ने, अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं ने उसकी खोज करी, वहां तक पहुंचे और उससे उसमें लगे हुए जितने कर्म थे उनका विनाश किया, उन्हें हटाया, आत्मा को शुद्ध किया और मोक्ष की प्राप्ति करी। तो जैन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है,
सब धर्मों में आप देख लेना, केवल पूजा पाठ और भक्ति, लेकिन जैन धर्म इससे आगे जाता है, आत्मा की खोज करता है और आत्मा की खोज करके उसे उपलब्ध करता है और उसे उपलब्ध करके आत्मा को शुद्ध बनाकर मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यह है धर्म का उद्देश्य। लेकिन नहीं, हमारा तो नियम है हम रोज पूजा करते हैं, हमारा तो नियम आलू नहीं खाते हैं। अच्छी बात है, पूजा करना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, रात्रि में नहीं खाना चाहिए, ये तो एक सामान्यता है, एक ऊपर की क्रिया है। अंदर पहुंचने के लिए आपने रास्ता बनाया है कि बाहर की चीजों को जितना हटाते जाएंगे हम उतना अंदर पहुंच जाएंगे। आपने चीजों को हटा तो दिया मगर अंदर पहुंचे क्या? नहीं पहुंचे ना। तो वहां तक पहुंचना हमारा उद्देश्य है, और इस जन्म में यदि नहीं पहुंच पाए तो फिर किस जन्म में पहुंचोगे? ये तो सामान्य श्रावक है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे अंदर पहुंचने में बाधक हैं। हम इनको जितना त्याग, जैन धर्म में क्या बताया है? त्याग। मैं हमेशा बताती, जैन धर्म में त्याग क्यों बताया है? त्याग का मतलब है मोह को छोड़ना, और परे हमें अंदर कौन नहीं जाने दे रहा? मोह नहीं जाने दे रहा। हमें खुद को कौन नहीं जानने दे रहा? मोह नहीं जानने दे रहा। बाहर की इच्छाओं में कौन भ्रमित कर रहा है? मोह भ्रमित कर रहा है। तो जितनी जितनी वस्तुओं का त्याग करेंगे उतना उतना मोह का त्याग होगा, और जितना जितना मोह कम होगा उतना हम अंदर जाएंगे। लेकिन प्रयास और पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, बिना प्रयास और पुरुषार्थ के संभव नहीं है। इसीलिए जैन धर्म जो सबसे पहले बताता है, इसके बाद बताएंगे प्रथम नरक बिन षडभू ज्योतिष वान भवन सन्न नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो निर्धन नहीं होता, वो लूला नहीं होता, वो लंगड़ा नहीं होता, वो कुरूप नहीं होता, वो स्त्री नहीं होता। वो नरक, प्रथम नरक को छोड़ के यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो तो प्रथम नरक को छोड़ के आगे नहीं जाता। फलों में फूट का, नारियल में जूट का, और पर्वत पर बनने वाले सहस्र कूट का, पर्वत पर झरने का, भाव से तरने का, और सहस्रकूट में एक एक प्रतिमा विराजमान करने का, पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और सिद्ध क्षेत्रों में सोना गिर का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और अतिशय क्षेत्रों में जहाजपुर का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और सिद्ध क्षेत्र पर चंदा प्रभु भगवान का, आगम में नय का, मनुष्यों में वय का, और चंद प्रभु भगवान के अतिशय का, लेने में सांस का, बहु में सास का, और क्षेत्र के होने वाले विकास का। कहां कहां से आए हैं? बंबई, पहले बंबई का बता दूं, है ना। वृक्षों में छुई मुई का, वृक्षों में छुई मुई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में बंबई का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। हमारे बाबूलाल जी देवली से हैं और जहाजपुर के ट्रस्टी भी हैं, और आपने निर्माण के कार्य में वहाँ बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और हमारे सुशील जी और उनकी धर्मपत्नी दिल्ली से आए हैं और काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और जहाजपुर के ट्रस्टी हैं, एक बार इनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और धौलपुर वालों के लिए, बम्बई, सबके लिए ताली बजा दो भाई एक बार। चलिए, और कहाँ से आए? नरेश जी,
ग्वालियर, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। इतनी ठंड में भी सप्ताह में 2 बार ग्वालियर से, 3 बार ग्वालियर से सोना गिराते हैं, और 7 महीने से आ रहे हैं। चलिए, और कहाँ से आए? धौलपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में धौलपुर का। धौलपुर का शुभकामना परिवार बहुत बढ़िया है। चलिए, कहाँ से आए? कोसीकला। करने में भला का, गाने में गला का, और आने वालों में कोसीकला का। हाथरस। घूमने के लिए बस का, भगवान की जन्म नगरी बनारस का, और आने वालों में हाथरस का। हो गए सारे? रुद्रपुर। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में रुद्रपुर का। शिवपुरी। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का। माताजी आगरा। आगरा मुझे मत बताओ भाई, आगरा आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है आपको पता है? रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में आगरा का। पूछने में हाल का, सर्दी में साल का, और आने वालों में भोपाल का। तलवाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में तलवाड़ा का। कोटा। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का। हो गए सारे? गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का, और क्षेत्र के विकास करने में संदीप का। चलिए, गोलाकोट कल थे, गोलाकोट देख के आए। उससे पहले थूवन जी थे, थूवन जी के दर्शन किए जी। मैं करीब साल में एक बार तो दर्शन होते ही हैं, और इस बार तो पिछले 6 महीने पहले करीब माता जी के दर्शन हुए थे। दोबारा दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और माता जी का बहुत ही हमारे परिवार के ऊपर विशेष कृपा है, ऐसे ही बने रहे, और चंद्रभू भगवान की भी ऐसी कृपा बने रहे। नमोस्तु करते हुए, वंदनामी करते हुए मैं विराम लेता हूँ। सस्ती भूषण माता जी की। जब पहली बार यहाँ आए थे सन 2019 में, तो जब ये लगता था कि बहुत दूर है, तो जब हम आए तो हमें लगा पता नहीं अब कब आना होगा। तो जब आते गए अब ऐसा लगता है कि सहारनपुर से जहाजपुर ये रहा। तो आगे आगे आते आते हमें लगता है कि डिस्टेंस कम ही होता जा रहा है, भगवान की महिमा ही इतनी है। और यहाँ के सभी लोगों की भी बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, जिसका वर्णन मैं किन शब्दों में करूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। बोला मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। ये वहाँ पर, और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, और सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगा। एक बार दर्शन जो कर ले हो, एक बार दर्शन जो कर ले आता है दोबारा, स्वस्ति धाम हमारा हो, स्वस्ति धाम हमारा। आँखों से दिल में बस जाए हो, आँखों से दिल में बस जाए इसका भव्य नजारा, स्वस्ति धाम हमारा हो, स्वस्ति धाम हमारा। स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा, स्वस्ति धाम सबसे न्यारा, स्वस्ति धाम सबसे प्यारा, स्वस्ति धाम आवो रे आवो रे आवो आवो स्वस्ति धाम। बंधुओं, वर्ष 2023 के अंतिम दिन चल रहे हैं, मैं आपको आने वाली 31 दिसंबर 2023 को सादर आमंत्रित करता हूँ। आप आए
और वर्ष 2023 को अलविदा करें जहाज वाले बड़े बाबा भूगर्भ से प्रकटित मुनिषत्नाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करके। उस दिन शाम को 7 बजे से बड़े बाबा की महाआरती भक्तामर पाठ रिद्धि मंत्रों के साथ में और भव्य भजन संध्या होगी और रात को ठीक 12 बजे नववर्ष 2024 का आगाज करेंगे बड़े बाबा की 108 दीपकों से महाआरती के साथ में। बंधुओं, जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम अच्छा होता है। वर्ष 2024 का पहला दिन 1 जनवरी 2024 को सोमवार को सुबह बड़े बाबा का 1008 कलश से महामस्तकाभिषेक विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में होगा। मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पधारे और मुनिषत्नाथ भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें और नववर्ष का आगाज करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो शांति धारा होगी, विशेष शांति धारा, अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भाव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।